Uh, अब हम डिस्कस करेंगे नो टाइप्स द डॉक्यूमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज द रूट नोट तो जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी है ये बेसिकली आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट या रूट नोट बेसिकली रिटर्न करती है द नोड नेम प्रॉपर्टी ऑफ अ नोड इज द नेम ऑफ द नोड तो जो नोड नेम प्रॉपर्टी है इनफैक्ट वो आपको आपके टैग की या आपके एलिमेंट की एलिमेंट का नेम रिटर्न कर देती है द नोड टाइप प्रॉपर्टी ऑफ़ अ नोड इज अ टाइप ऑफ द नोड तो नोट टाइप जो है इनफैक्ट ये उस एलिमेंट uh, की टाइप रिटर्न करती है ये हम फ्यूचर uh, में डिस्कस करते हैं कि टाइप्स किस तरह के हैं जनरली यहाँ बताने के लिए मैं बता सकता हूँ कि एलिमेंट टाइप की नोड हो सकती है टेक्स्ट टाइप की नोड हो सकती है एट्रीब्यूट टाइप की नोड हो सकती है टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट नोड हो सकती है तो ये सारी की सारी टाइप्स में फॉल कर रही करेंगे तो नोट टाइप्स जो हैं ये इनकी डिटेल आगे अगली स्लाइड्स में आ जाएगी लेकिन यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो है ये बेसिकली आपकी रूट नोट को रेफर करता है और रूट नोट से आप प्रोसेस करते वक्त आगे या नेविगेट करते वक्त या आप ट्रेवर्स करते वक्त आप हर नोट की टाइप को चेक कर सकते हैं कि ये एलिमेंट टाइप की नोड है टेक्स्ट टाइप की नोड है एट्रीब्यूट नोड है और उसकी बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग आप आराम से प्लान कर सकते हैं तो यहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए या अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक डेमो है जो हम नोट टाइप डॉट एस टी एम एल की फॉर्म में हम फाइल देख रहे हैं इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये बताएंगे कि किस तरह से आप एक एलिमेंट एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को नोट टाइप्स के लिहाज से प्रोसेस कर सकते हमारे पास बुक्स डॉट एक्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और आप देख सकते हैं कि बुक स्टोर हमारा रूट एलिमेंट है और इसमें बुक के हमारे पास मल्टीपल सब uh, या चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर बुक जो है उसके मल्टीपल चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे टाइटल ऑथर ईयर एंड प्राइस और उनकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है बुक के बुक की एक एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट कर रहा है कैटेगरी और इसी तरह से टाइटल का एक एट्रीब्यूट uh, एग्जिस्ट कर रहा है लैंग लेकिन बाकी टैक्स जो हैं उनमें डायरेक्ट टैक्स पड़ा हुआ है नोट टाइप डॉट एच टी एम एल को अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक एच टी एम एल फाइल है और इसमें भी उसी तरह से पैराग्राफ एक लगा हुआ है और उसका आई डी हमने डेमो रखा हुआ है और यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट होता है और एस टी एक्स एम एल एच टी टी पी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और वो इस वेरिएबल में असाइन करवा दिया एक्स एच टी टी पी डॉट ऑनरेडी स्टेट चेंज इज़ इक्वल टू फंक्शन और ये बेसिकली हम एक एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑलरेडी स्टेट चेंट की रिक्वेस्ट जो है वो बेसिकली फोर और टू हंड्रेड जिस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फोर जो है यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि सर्वर अवेलेबल है जनरेट करने के लिए और टू हंड्रेड जो है ये भी इसी चीज़ को बता रहा है कि हमारा स्टेटस जो है वो वैलिड स्टेटस है और यहाँ पर माई फंक्शन हमने कॉल किया विद एक्स एच टी टी पी यानी एच टी टी पी रिक्वेस्ट के साथ फिर हमने क्या किया एक्स एच टी टी पी डॉट ओपन बुक्स डॉट एक एक्स एम एल को हमने इस मेथड के ज़रिए फाइल को ओपन किया जो कि मेमोरी में लोड हो गई और हमने इसको सेंड कर दिया यहाँ पर हम एक्स एम एल डॉट रिस्पॉन्स एक्स एम एल जनरेट करें और वो उस वो रिस्पॉन्स जो एक्स एम एल डॉक में है और फिर उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी तो हम बेसिकली जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है जो एच डी डॉक्यूमेंट है करंट डॉक्यूमेंट है उसमें हम डेमो टैग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो करंट टैग में हमारा डेमो टैग टे, डेमो टैग अब डेमो आईडी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है बेसिकली हम गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च करें तो आईडी वो टैग जिसका आईडी डेमो है वो ये हमें नज़र आ रहा है उसकी इनर एच को में हम असाइन करें एग्जामल डॉक ये वो एक्सएमएल है जो बेसिकली बुक्स डॉट एक्सएमएल जिसमें लोड हुई हुई है उसको रेफ़र कर रहा है उसमें डॉक्यूमेंट डॉट एलि डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट नोड नेम तो जो उसकी मेन नोड है उसका नाम हम डिस्प्ले करवा रहे हैं ब्रेक करके यानी न्यू लाइन के बाद और उसकी नोड टाइप डिस्प्ले करवा रहे हैं ये बेसिकली इस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि ये उसकी जो मेन नोड है उसका नाम और उसकी नोड टाइप तो यही हमने अभी स्लाइड्स में इन दोनों चीज़ों को देखा था इन दोनों एट्रीब्यूट्स को देखा था और अब इनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं हम कि ये फंक्शन जब एक्सिक्यूट होगा तो ये ब्राउजर पे क्या आउटपुट देगा जब हम ये फाइल खोलते हैं तो देखें मेन नोट जो है हमारी बुक स्टोर है और उसकी टाइप जो है वन है यहाँ पर वन क्यों है ये अभी फ्यूचर स्लाइड्स में हम बता देंगे कि कौन सी नोट्स जो हैं उनका उनकी टाइप वन है किन की टू है तो ये अभी हमारी थोड़ी देर में डिस्कशन शुरू हो जाएगी इसके ऊपर तो फिलहाल इस फंक्शन को आप देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई यानी इसका मतलब करंट डॉक्यूमेंट में वो टैग सर्च करना है वो एलिमेंट सर्च करना है जिसकी आईडी डेमो है तो आप देखें इस करंट डॉक्यूमेंट में ये वो टैग है जिसकी आईडी डेमो है उसकी इनर एस्टीएम में आप यानी इनर एस्टीएमल का मतलब उसकी इस वैल्यू में आप ये चीज असाइन करें क्या चीज असाइन कर रहे हैं एक्सएमएल डॉक जो अभी आपने ओपन की एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट उसका डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट नोड नेम नोड नेम की प्रॉपर्टी जो है जो बेसिकली रूट नोड है वो डिस्प्ले करवा देगी ब्रेक न्यू लाइन और उसकी टाइप तो आप देख सकते हैं कि बुक स्टोर और टाइप वन और आप देख लें बुक एक्सएमएल में हमारी जो रूट नोड है या रूट एलिमेंट जो है वो बुक स्टोर ही है तो उसके लिहाज से इस ब्राउजर पे आउटपुट हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है वन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ है अभी हमने देखा डेमो नोट टाइप और इसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया एक तो नोट टाइप एंड नोट वैल्यू तो बेसिकली आप ये नोट टाइप और नोट वैल्यू के एट्रीब्यूट्स किसी भी नोट के साथ आप अटैच करके आउटपुट करना चाहें या प्रोसेस करना चाहें तो इनफैक्ट जिस नोट को ये रेफ़र कर रहे होंगे उसका उसकी टाइप और उसकी वैल्यू जो यानी इनफैक्ट उसका नेम जो है वो डिस्प्ले कर देंगे तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ट्रवर्सिंग या ये कह लीजिए कि एग्जिमल डॉक्यूमेंट को किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं पार्ट्स किस तरह से कर सकते हैं हम वो सारा पार्ट हम देख रहे हैं तो होपफुली इससे आपको इस नोट टाइप्स के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी